हेलो एवरीवन, कुकिंग विद रूपा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मसाला पूरी, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और इसे आप कभी भी फटाफट बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं और सफ़र में भी बनाकर ले जा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पर पूरी के लिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है 1 कटोरी, सूजी ली है 1/4 कटोरी, 1/4 कटोरी सूजी ली है, 2 बड़े आलू मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू स्मैश करके लिए हैं, धनिया धोकर कट करके लिया है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, अमचूर पाउडर 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा और नमक स्वादानुसार। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, बाउल या एक प्लेट ले लेंगे, उसमें आटा डालेंगे, 1 कटोरी आटा लिया है हमने, यहाँ पे सूजी डालेंगे 1/4 कटोरी, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 चम्मच जीरा 1/2 चम्मच, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर लेना है हमें, कटे हुए हरी मिर्च, नमक स्वादानुसार ले, स्मैश किए हुए आलू, कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, ऑप्शनली है फ्रेंड्स, आप इसे आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, या तो हरी मिर्च का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। अब इसे हमें आटा गूंद लेना है अच्छे से मिक्स करके, फिर बाद में ऊपर से हम 1 चम्मच घी डालेंगे। इसे पहले अच्छी तरह से मसल लेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से 1 चम्मच घी डालेंगे। आपको घी चाहिए तो घी, तेल चाहिए तो तेल भी डाल सकते हैं। घी डालेंगे, 1/6 चम्मच लिया है मैंने घी का। अच्छे से मिक्स करना है हमें, आटा गूंद लेना है चपाती के लिए, जिस तरह हम गूंदते हैं आटा उसी तरह हमें गूंद लेना है। ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा भी मत लगाइए। अभी हमें आटे की लोई लेकर चपाती जिस तरह से बेलते हैं उस तरह से बेल लेना है, पूरी बना लेनी है हमें। इस तरह से बेलने के बाद मैंने यहाँ पे कटोरी लिया है, कटोरी के सहारे मैंने पूरी को इस तरह से काट लिया है, चपाती को राउंड शेप कर लिया है। इसी तरह से हम सारे पूरी बना लेंगे।
मैंने यहाँ पे पूरियाँ तैयार कर दी है सारे बना के। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस को चालू कर देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है तेल तलने के लिए डाल देंगे। एक आटे का थोड़ा सा लोहे का टुकड़ा, थोड़ा सा टुकड़ा लेके हम देख लेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके पूरी डालेंगे। इसी तरह से हमें एक एक दो दो पूरी करके हमें अच्छे से ब्राउन कलर में तल लेना है पूरी को। गैस के फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम ही रखना है, मीडियम रख के ही हम यहाँ पे तल लेंगे। फ्रेंड जिस तरह ये पूरी दिखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी है रेसिपी। इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ तल ली हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होंगी फ्रेंड्स। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।